भारत का एक फैसला बदल देगा पूरी दुनिया का चेहरा। कैसे भारत का एक कदम ला देगा क्रांति। चीन के बजट से आए हाहाकार के बाद भारत खेलने जा रहा है बड़ा दांव। कूटनीति में सबका बाप है भारत। सिर्फ 10,000 करोड़ से चीन के 225 बिलियन को धुआं धुआं कर गया भारत। देखे कैसे वक्त और जज्बात दोनों बदल सकता है भारत। मोदी की राजनीति ने झुका दिया विस्तारवादी का सर। ऐसे ड्रैगन की तड़प खत्म करेगा भारत। एक ही दाव ने शांत कर दिया जोश का जोश। हाल ही में चीन के बड़े हुए बजट ने भारत के माथे पर पसीना ला दिया था, लेकिन इसके बाद भारत ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जो नहले पर दहला है, जिसने चीन को जोर का झटका भी दिया। चीन एक बार फिर से सेना पर खर्च को लेकर बजट बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। चीन ने इस बार 2022 के बजट की तुलना में 7.2% की वृद्धि की। चीन का रक्षा बजट बढ़ने के साथ अब इस वर्ष वास्तविक रक्षा बजट $225 बिलियन हो जाएगा। ये 8वीं बार है जब चीन ने वृद्धि की घोषणा की है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC ने रविवार को 2023 के लिए अपने रक्षा बजट के मसौदे की घोषणा कर दी। रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि के साथ अब 2023 के बजट में वर्ष के दौरान चीन का वास्तविक रक्षा खर्च बढ़कर 1.55 ट्रिलियन युआन हो जाएगा। इससे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का खर्च 2020 में 6.6%, 2021 में 6.8% और 2022 में 7.1% बढ़ाया गया था। ऐसे में चीन ने साफ संकेत दे दिया है कि वो अब भारत को चैन से जीने नहीं देगा। एक बार फिर इतना बड़ा बजट भारत के लिए चुनौती तो है ही, साथ में भारत को भी अपना बजट बढ़ाने पर मजबूर करता है। लेकिन इसके लिए भारत ने भी चीन का एक सही जवाब ढूंढा है और बहुत ही करारा जवाब दिया है। एक तरफ भारत अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसका फोकस डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने को भी है। मोदी सरकार भारत के डिफेंस इंपोर्ट को घटाने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में भारत के हथियार आयात पर गौर करें तो रूस की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2012 से 17 में 69% से घटकर 2017 से 21 में 46% रह गई। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 16 और 2017 से 21 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 21% की कमी आई। इसी कड़ी में भारत अब मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदने के लिए तैयार है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद भारत अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 97 अत्यधिक सक्षम ड्रोन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रक्षा बलों ने संयुक्त रूप से एक साइंटिफिक स्टडी की। इसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जमीन और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए 97 मध्यम ऊंचाई के ड्रोनों की आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन ड्रोन की खरीदारी करने जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा मानव रहित हवाई वाहन होंगे जो लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर पाएंगे। आपको बता दें कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से खरीदे जाने वाले ये ड्रोन पिछले कुछ सालों में तीनों सेनाओं के बेड़ों में शामिल किए गए हैं। 46 से अधिक हेरोन यूवी से अलग होंगे। जानकारी के मुताबिक पुराने ड्रोन्स को मेक इन इंडिया के माध्यम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अपग्रेड कर रहा है। इसकी खास बात यह है कि ये ड्रोन को 60% से अधिक भारतीय सामग्री का प्रयोग करके देश के भीतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हाल ही में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का फैसला किया। ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के हैं। ज्यादातर इनका उपयोग भारत के विशाल इलाकों की निगरानी करने के लिए किया जाएगा। आपने अमेरिका और चीन के बजट को तो देखा होगा, कैसे ये दोनों अपना पैसा डिफेंस में लगा रहे हैं। लेकिन भारत तो अपना पैसा इस तरीके से नहीं उड़ा सकता, तो इन्हीं को ही लड़ने मरने दीजिए। भारत को पूरी दुनिया से अलग हो जाने दीजिए। नहीं समझ आया ना, आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, आपको तो पता ही है कि इस समय भी चीन भारत को नहीं हरा सकता, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह चीन भारत से आगे निकलने के चक्कर में पैसे बहाए जा रहा है, उसी के चक्कर में भारत को भी धुआंधार पैसा फूंकना पड़ रहा है। लेकिन ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत को अब जिस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहिए, जैसे कि शिक्षा, रिसर्च और स्वास्थ्य, वहां सही से पैसा नहीं लग पा रहा है। ऐसे में एक देश विकास तभी कर पाएगा जब ये सब मजबूत होगा। ऐसे में अभी भले ही चीन भारत को सेना में पीछे ना छोड़ पाए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में पछाड़ रहा है। आपने देखा होगा कि यूरोपीय देश भारत से ज्यादा विकसित है। तो दोस्तों, वो इसीलिए विकसित हैं क्योंकि उन्होंने रक्षा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया। भाई, उनकी रक्षा तो नाटो करता है,
उसी लिए उनको सेना पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत जैसे देश के लिए रक्षा क्षेत्र में पैसा खर्च करना मजबूरी बन गया है। ऐसे में भारत अपना एक एक रुपया इस क्षेत्र में लगा रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारत अब पैसा खर्च करने से ज्यादा रिश्ते बनाने पर भरोसा कर रहा है। चीन के धुर विरोधी देश फिलीपींस के साथ भारत ने $375 मिलियन यानी कि करीब 2800 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया। इसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी जाएगी। इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी कि 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया, जिसके तहत वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएंगी। अब जो बात यहाँ पर जानने और समझने की है वो ये कि फिलीपींस और वियतनाम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है या साउथ चाइना सी में स्थित है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत फिलीपींस और वियतनाम को हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों का चीन से काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। बस भारत को मौका मिला है, उसने टिट फॉर टैट पॉलिसी को अपनाते हुए चीन को साफ तौर पर संदेश दे दिया कि वो अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव बना सकता है तो भारत भी फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की मदद से दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती देने में पीछे नहीं हटेगा। भारत की इस एक चाल को लेकर ड्रैगन हैरान और परेशान है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत ये कदम उठा सकता है। दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि कैसे राजनीति का प्रयोग करके चीन से कई गुना कम पैसे खर्च करके भारत चीन के सामने मजबूती से खड़ा है। केवल कूटनीति के दम पर भारत को आज चीन छू तो क्या, देख भी नहीं सकता। अब इससे ये फायदा होगा कि भारत को पानी की तरह पैसा नहीं बहाना पड़ेगा, नए नए रिश्ते भी बनते रहेंगे जिससे व्यापार भी बढ़ेगा और चीन जैसा दुश्मन भी कमजोर होता रहेगा। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अपने देश में निर्माण किया, जो अब भारत में आई इस मेड इन इंडिया की आंधी को तूफान में बदल रहा है। काफी सारे देश का भारत की तरफ आकर्षण इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि भारत के इन हथियारों का तोड़ किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।